उत्तर प्रदेश के मथुरा के औरंगाबाद में एक 11 वर्षीय बालक की फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मृतक बालक के शव को बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बालक की हत्या से आसपास में सनसनी फैल गई है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि थाना सदर इलाके के रहने वाले कैलाश का 11 वर्षीय पुत्र रुपेश अपने घर से बाहर अचानक लापता हो गया था, जिसकी बरामदगी के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। जवाहर बाग में झाड़ियों में 11 वर्षीय बालक का शव बरामद हुआ है। बदमाशों ने फिरौती न मिलने के कारण बालक की हत्या कर शव को फेंक दिया। एसएसपी गौरव ग्रोवर का कहना है कि बालक के लापता होने की सूचना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल बालक की तलाश शुरू कर दी। बालक का शव जवाहर बाग में झाड़ियों में बरामद हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मथुरा के थाना सदर बाजार में कल रात्रि में श्री कैलाश जी द्वारा एक सूचना दी गई कि उनका 11 वर्षीय बालक कल दोपहर में खेलने के लिए गया था, परंतु घर नहीं लौटा है। इस कंप्लेंट पर तत्काल मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया। आज सुबह उनके फोन पर फिरौती से संबंधित एक कॉल प्राप्त हुई। पुलिस को सूचना होते ही तत्काल 5 टीमों को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया। इस घटना में मुख्य संदिग्ध के रूप में लोकेश और पिल्लू को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपना जुर्म इकबाल किया गया। वह बच्चे की डेड बॉडी को भी रिकवर कराया गया है। इसके अनुसार बच्चे की हत्या कल शाम में ही कर दी गई थी। पिल्लू उर्फ लोकेश पीड़ित परिवार का करीबी है और कई सालों से उसका घर पर आना जाना है। बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पैनल ऑफ डॉक्टर्स में वीडियोग्राफी से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुख्य अभियुक्त से और गहनता से पूछताछ की जा रही है। घटना से संबंधित सभी पहलुओं की गहनता से जानकारी की जा रही है और इस घटना से संबंधित जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।